Dear students, today we'll start our lecture number 3 week of first unit, cells, tissues and organ of subject science, class 6 perspective. In this lecture number 3, we will talk about the specialist animal cells. And in specialist animal cells, there are 3 different types of specialized animal cells. Red blood cells that carry oxygen around the body in the blood. The first one is the red blood cells, which is the specialized animal cells. They carry out a specialist function, and this function is that they provide oxygen to all the different parts of the body. Here is the diagram of red blood cells in front of you, which shows the different cells, different red blood cells. The second specialist animal cells are the nerve cells. In nerve cells, these are the cells that carry out messages around the body. ये वो cells हैं जो कि तमाम जिस्म के हिस्सों तक पैगामात को पहुँचाते हैं, किसी stimuli को जो है वो receptors की मदद से महसूस करते हैं, पैगामात को brain तक लेके जाना, brain उसको सेंस करता है, तो फिर ब्रेन से वापस पैगाम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना ताकि हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्स दे सकें. यहाँ डायग्राम में देखिए नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल के दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक एक्सोन और दूसरा क्या है सेल बॉडी. सेल बॉडी में इसके डेंड्राइट्स आ जाते हैं, और डेंड्राइट्स के सेंटर में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस. नर्व सेल्स जो हैं ये भी नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा है, और नर्व सेल जो हैं जब बहुत सारी नर्व्स मिलती हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था दे आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स इन आवर बॉडी. द थर्ड मेजर टाइप ऑफ द प्लांट स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स आर द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट इन डेलिकेट ऑर्गन्स टू स्वीप डस्ट एंड माइक्रोब्स अलोंग दैट सर्फसिस, सच एज इट मे बी प्रेजेंट इन नोज, इट मस्ट प्रेजेंट इन नोज एंड इन विंड पाइप एंड अलोंग दिस टू स्ट्रक्चर्स अबाउट अलोंग नोज एंड विंड पाइप दिस टीनी हेयर लाइक सिलिया आर हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स स्वीप डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स. The diagram of ciliated epithelial cells shows that they have two important components. One is the nucleus, the second is the cell membrane, and the cilia make sweeping movement. जिसकी वजह से ये movement जो है वो इनको मुहैया होती है, किसकी वजह से, cilia की मदद से. उसके बाद हम देखेंगे multicellular and unicellular organisms. तो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने न्यूटन्स में भी पढ़ा था कि मल्टी मतलब मैनी सेलुलर सेल, मतलब ऐसे सेल जो बहुत ज़्यादा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो. एंड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ईजी अमीबा एंड फ्लोरेला. And here is the diagram of amoeba, which is a unicellular organism. The second one is a multicellular organism. Multicellular organism are those organisms which consist of billions of cells, e.g. human being, plants, etc. तमाम higher animals जिनका organization level बहुत high है वो multicellular organism, और बहुत ज़्यादा cells पर मुश्तमिल है. उसके बाद हम लोग ने देखना tissues के बारे में, अब हम tissues के बारे में पढ़ेंगे. द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कम्बाइन टूगेदर टू फार्म टिश्यूज, जब बहुत सारे एक जैसे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, टिश्यूज. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यूज. इन प्लांट टिश्यू द फर्स्ट वन टाइप इज द एपिडर्मल टिश्यू, एंड द एपिडर्मल टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. द सेकेंड टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यूज इज द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज. फोटोसिंथेटिक टिश्यूज आर फाउंड ऑन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. द थर्ड टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यूज इज द सपोर्टिंग टिश्यूज, फाउंड मेनली इन द प्लांट स्टेम टू सपोर्ट द प्लांट टू मेक इट अ स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर सो दैट इट कैन मेनटेन इट्स एग्जैक्ट पोस्चर्स एंड
कैन फेस द सडन एक्सीडेंट्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। एनिमल टिश्यूज़ में जो इसकी मेन टाइप्स आ जाती हैं वो उसमें से फर्स्ट वाली है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ आर द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अवर स्किन। हमारी बॉडी में जो सबसे बाहर वाली लेयर्स है वो इसकी बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो लाइनिंग्स हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती हैं, जैसे स्टोमिक हो गया, जैसे हार्ट हो गया। उसके बाद है सेकंड इसकी एनिमल टिश्यूज़ की टाइप, मसल टिश्यूज़ हैं फाउंड इन द लिम्स। मसल टिश्यूज़ हमारे बाजू में, हमारी लेग्स में मौजूद होते हैं और इसके अलावा और डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं एंड इन द वॉल्स ऑफ द सर्टन ऑर्गन्स। द थर्ड टाइप इज़ द नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ऑफ एन एनिमल एंड देयर फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट मैसेज फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। हेयर इज एपिथेलियल टिश्यूज़ shows the different cells of an epithelial tissue. Second one is the muscle tissue and the third one is the nervous tissues. उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की डायरी। तो डायरी में आप लोगों ने करना है ड्रा द डायग्राम ऑफ नर्व एंड एपिथीलियल सेल्स, लर्न टिश्यू टाइप्स, रीड द सेल्स कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया आपने उसको अच्छी तरह से रीड करना, उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं।